Hello kids, this is Mentor Neetu. We are doing now Computer Cyber Creator Class 4 by Brain Root. So today we are doing Chapter 3, more on Paint 3D. So it's a very interesting chapter. So let's start. So our chapter now, in this chapter you will learn about components of Paint 3D window, using 3D library, working with canvas tool, group ungroup objects, adding or deleting text, inserting stickers and adding effects. So hum in sab cheezon ke bare mein is chapter mein read karenge. So let's start. So before we begin, write down the difference between Microsoft Paint and Paint 3D in your notebook. माइक्रोसॉफ्ट पेंट आपने प्रीवियस क्लास में किया होगा, उसमें हम 2D ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं और पेंट 3D में हम 3D ऑब्जेक्ट्स की बात करेंगे, राइट? सो सी, पेंट 3D इज यूज्ड टू ड्रॉ शेप्स लाइक क्यूब्स, क्यूबॉइड, सिलेंडर्स, कॉन्स, स्फीयर्स एंड डोनट्स. ये आपने मैथ्स में भी किया होगा 3D ऑब्जेक्ट्स. यू नो क्यूब, क्यूबॉयड हम अपनी डेली लाइफ में भी यूज़ करते हैं, लाइक आइस क्यूब हो गया, डाइज हो गई, हमारे कबर्ड हो गई. सो दीज आर 3D ऑब्जेक्ट्स. सो यू कैन रोटेट एंड टर्न दीज शेप्स टू सी डिफरेंट व्यूज ऑफ द 3D शेप्स. इनको हम टर्न भी कर सकते हैं, इनके डिफरेंट व्यूज हम देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर. सो टू स्टार्ट पेंट 3D फॉलो दीज स्टेप्स. द फर्स्ट वन, क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन. पहले हम किस पे आएंगे? स्टार्ट बटन पे. देन द सेकेंड वन, क्लिक ऑन द ऑल एप्स बटन. फिर हम किस पे आएंगे? ऑल एप्स में. एंड देन द थर्ड वन, सेलेक्ट पेंट 3D. फिर उसमें से हम किसको सेलेक्ट करेंगे? पेंट 3D. सो द पेंट 3D विंडो अपीयर्स. यू कैन सी ऑन योर कंप्यूटर, आपके पास इस टाइप में आएगा. ऑल एप्स के अंदर कुछ एप्स गिवन होंगी, उसमें पेंट 3D पे आपने क्लिक करना है, राइट? सो वन टिप इज गिवन ओवर हियर. यू कैन ऑल्सो स्टार्ट पेंट 3D बाय टाइपिंग 3D इन द सर्च बॉक्स एंड क्लिक ऑन पेंट 3D एप्लीकेशन. हमारे पास जो सर्च बॉक्स होता है, हम उसमें भी टाइप कर सकते हैं पेंट 3D एंड देन वी कैन यूज इट, राइट? सो नाउ लेट्स सी कॉम्पोनेंट्स ऑफ पेंट 3D विंडो. अब इसमें कौन कौन से कॉम्पोनेंट्स हम यूज करते हैं? सो वेरियस कॉम्पोनेंट्स ऑफ पेंट 3D विंडो आर एज फॉलो. जब आप ओपन करेंगे अपना कंप्यूटर तो आप उसमें कॉम्पोनेंट्स देखेंगे. जैसे आपके पास जो ये ब्लैक वन है, वॉट इज द नेम ऑफ दिस? इट इज द टाइटल बार, दिस ब्लैक वन. और फिर इसमें क्या है? ब्रशेज हैं, देन 2D शेप्स गिवन, देन 3D शेप्स, फिर क्या है? स्टिकर्स, फिर क्या है? टेक्स्ट एंड देन इफेक्ट्स एंड देन कैनवस एंड देन दिस इज 3D लाइब्रेरी, ओके? एंड दिस बटन, यहाँ पे एक बटन है जिसको हम बोलेंगे मेन्यू बटन. और जो ये हमारे पास एक आपके पास रेक्टेंगल आपको दिख रहा है, दिस इज द कैनवस, ओके? सो और दिस साइड आप देख सकते हैं मार्कर, यहाँ पे ब्रशेज होंगे. आई विल शो यू इन द नेक्स्ट वन, ठीक है? इसमें आपके पास क्या है? इसको हम बोलते हैं नेम्स टूगल टूल, राइट? और यहाँ पे आपके पास इधर क्या आएगा? साइड बार राइट पेन जिसको हम बोलते हैं, और थिकनेस स्लाइडर, यानी हम थिकनेस, यानी उसको हम कितना, जो भी हमारे पास ऑब्जेक्ट है उसकी हम थिकनेस कितनी लेंगे, उसको हमें छोटा मोटा लेना है या थोड़ा सा पतला लेना है, दैट इज द थिकनेस, राइट? सो थिकनेस बटन भी आपके पास होगा, यू कैन यूज इट. आप उसको जितना ड्रैग करेंगे उसकी थिकनेस बढ़ती जाएगी, ठीक है? एंड हेयर ओपेसिटी इज ऑल्सो गिवन. अभी इसके बारे में हम, आई विल टेल यू लेटर ऑन. एंड यहाँ पे आपके पास क्या है? कलर पैलेट्स. यहाँ पे डिफरेंट कलर्स हैं जो हम अपनी पेंटिंग के लिए यूज कर सकते हैं. सो राइट, सो आई होप इट्स क्लियर टू यू. तो जब आप इसको प्रैक्टिकली करेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा, राइट? सो द टाइटल बार, द टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द टाइटल बार डिस्प्लेज द नेम ऑफ द ऐप एंड द नेम ऑफ योर ड्रॉइंग.
The top right corner of the title bar has three control buttons: minimize, maximize or restore and close. Minimize में हम उसको minimum size का कर देंगे, maximize में big size का and close में बंद कर देंगे. So now the next is menu button. The menu button appears on the top left corner as I have shown you. Click on the menu button. It will show options such as new, open, save, print and insert. And click back to get to the Paint 3D window. Right? Brushes tool. जो आपने उसमें भी देखा था, अभी ये थोड़ा सा क्लियर है आपको. ब्रशेस टूल, इसमें हमें ब्रशेस दिख रहे हैं, मार्कर थिकनेस एज आई टोल्ड यू, एंड वन मोर पॉइंट इज ओवर हेयर आई एम एक्सप्लेनिंग टू यू. सो इट डिस्प्लेज डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रशेस इन द ब्रशेस पैनल. अब देखो आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रशेस आ गए हैं. सेलेक्टिंग द ब्रशेस टूल ओपन्स अ पैनल ऑन द राइट साइड ऑफ द पेंट 3D विंडो. This panel shows the options for selecting different types of brushes and color palette for selecting different colors for drawing. हमारे पास brushes भी हैं और हमारे पास colors भी हैं, तो हम अपनी drawing इससे complete कर सकते हैं. The Paint 3D has 10 inbuilt brush shapes. इसमें different type के brushes हैं, 10 types. Any of the brush option can be selected by clicking on that option. हम माउस से उस पर क्लिक कर सकते हैं, जो भी हमें अपनी चॉइस का ब्रश लेना है, we can do it. Below the brush shapes is the thickness slider. As I told you, thickness slider. नीचे हमें thickness slider is given over here. It helps in increasing or decreasing the thickness of the outline of the shape. जो भी हम शेप लेंगे उसकी जो आउटलाइनिंग है उसको हम थिक, जैसे भी हमें करना है, जितना मोटा करना है, जितना थिन रखना है, इट्स अप टू अस, राइट. सो द ओपेसिटी स्लाइडर हेल्प्स इन मेकिंग द शेप ओपैक और ट्रांसपेरेंट और पार्शली बोथ. एक मुझे स्लाइडर गिवन है जिससे जो शेप है वो ट्रांसपेरेंट भी हो सकती है, ओपैक भी हो सकती है, या पार्शली बोथ, जैसे भी आप उसको शो करना चाहें. जब आप इसको करेंगे देन इट वुड बी मोर क्लियर कि ये कैसा दिख रहा है, राइट. सो यू कैन एंटर द वैल्यू फॉर थिकनेस एंड ओपेसिटी इन द बॉक्सेस और क्लिक एंड ड्रैग देयर स्लाइडर्स टुवर्ड्स राइट और लेफ्ट टू चेंज द वैल्यूज. हम इसको चेंज कर सकते हैं, लेफ्ट राइट कर सकते हैं, उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, राइट. Now, the color palette shows different color options. अब आपको ये palette दिख रहा है, इसमें different colors हैं. It also gives you the option to use more colors than shown using add color button. अगर आपने कुछ और colors add करने हैं, तो यहाँ पे एक और button given है, add color. यहाँ से हम और option use कर सकते हैं. The various effects like matte, gloss, polished, metal, etc. can be added using choose a material drop down list above the color palette. एक होता है कि हमें उसको इफेक्ट क्या देना है, जैसे मैट है, मैं थोड़ा ड्राई है, या फिर थोड़ा सा पॉलिशिंग में है, शाइनिंग में है, यानी उसको इफेक्ट देना है, तो उसके लिए भी हमारे पास अवेलेबल है चूज अ मटीरियल, राइट. तो जब आप इसको करेंगे इट वुड बी मोर क्लियर टू यू. सो सी नेक्स्ट 2D शेप्स टूल. The 2D shapes tool opens the 2D shapes palette on the right side of the Paint 3D window in place of the brushes option. अगर आपने 2D shapes को चूज करना है तो आपके पास 2D shapes आ जाएंगी. A curve या line or 2D shape can be drawn by selecting the option, clicking and dragging on the canvas. आप इसमें से कोई भी option, there are so many shapes given. Like heart shape is given, moon is given, like sun is given, cloud is given, star is given. There are so many shapes. आप कोई भी आपने draw करना है, आप उस पर simply click करके उसको drag कर देंगे canvas के ऊपर, right? So, the next is 3D shapes tool. The 3D shapes tool opens the 3D shapes palette on the right side of the Paint 3D window.
अगर आपने ये यूज करना है तो आपके पास क्या आ जाएगा, ऐसे 3D आ जाएगी आपके पास सारी शेप, जैसे यहाँ पर 2D आया है, ओके यहाँ पर आ जाएंगी आपके पास 3D शेप्स। अ 3D डूडल, 3D ऑब्जेक्ट और 3D मॉडल कैन बी ड्रॉन बाय सेलेक्टिंग द ऑप्शन, क्लिकिंग एंड ड्रैगिंग ऑन द कैनवस। ऐसे ही आपने उस पर क्लिक करना है, जैसे सिलेंडर है, सिलेंडर पे क्लिक किया और इसको ड्रैग कर देंगे ऑन द कैनवस। ओके, नाउ स्टिकर टूल, दिस ऑप्शन इज यूज्ड टू ऐड डिफरेंट स्टिकर्स। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज टेक्स्ट टूल, दिस टूल इज यूज्ड टू ऐड टेक्स्ट। इफेक्ट्स टूल, दिस बटन इज यूज्ड टू अप्लाई वेरियस बिल्ट इन स्पेशल इफेक्ट्स टू योर ड्रॉइंग। इफेक्ट्स देने के लिए इफेक्ट्स टूल। कैनवस टूल, दिस बटन इज यूज्ड टू चेंज द साइज ऑफ द कैनवस। 3D लाइब्रेरी टूल, यू कैन यूज दिस टूल टू ऐड 3D ऑब्जेक्ट्स। अनडू बटन, इफ यू वॉन्ट टू रिवर्स योर लास्ट एक्शंस, यूज अनडू बटन और Ctrl+Z, राइट। अगर आपने कुछ अपना जो लास्ट आपने कुछ भी एक्शन किया है उसको आपने मतलब रिमूव करना है, उसको आपने दोबारा से पहले वाले पोजीशन में लाना है, तो आप क्या यूज़ करेंगे, अनडू बटन। उसके लिए हम क्या करेंगे, Ctrl+Z भी यूज़ कर सकते हैं। रीडू बटन, इट इज़ यूज टू रिवर्स द इफेक्ट ऑफ द अनडू बटन, और यू कैन यूज़ Ctrl+Y, राइट। सो रिवर्स, अगर अनडू का जो आपने एक्शन किया है उसको रिवर्स करना है, देन यू कैन डू रीडू बटन, राइट। और आप यूज कर सकते हैं Ctrl+Y। नाउ कैनवस, दिस इज द मेन वर्किंग एरिया वेर यू क्रिएट योर ड्रॉइंग इन पेंट 3D। जैसे मैंने आपको दिखाया था रेक्टेंगल शेप कैनवस, उसमें आप अपनी ड्रॉइंग कर सकते हैं। साइड बार और राइट पेन, इट शो द ऑप्शन रिलेटेड टू द सिलेक्टेड टूल। जो भी आप टूल सिलेक्ट करेंगे उसकी ऑप्शन आ जाएंगी साइड बार पे, और उसको आप राइट पेन भी बोल सकते हैं। सो नाउ द नेक्स्ट इज नेम टूगल टूल, इट इज़ एन ऑप्शन फॉर हाइडिंग शोइंग द टूल्स नेम। ये ऑप्शन है अगर हम टूल्स नेम को हाइड करना चाहते हैं या शो करना चाहते हैं, वी कैन यूज नेम्स टूगल टूल। ओके, नाउ ऑप्शंस टूल, वेरियस टूल्स आर अवेलेबल ऑन द ऑप्शन टूल्स, लेट अस लर्न अबाउट देम। इट शोज ऑप्शन लाइक सेलेक्ट, मैजिक सेलेक्ट, क्रॉप, 3D व्यू एंड जूम स्लाइडर। सेलेक्ट, सेलेक्ट, इट इज़ यूज टू सेलेक्ट एन इमेज बाय ड्रैगिंग द माउस डायगनली अराउंड द इमेज। ओके, सेलेक्ट करना हो किसी इमेज को तो हम उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड देन मैजिक सेलेक्ट, इट इज़ यूज टू क्रॉप द बैकग्राउंड ऑफ एन इमेज एंड कन्वर्ट इट इनटू 3D मॉडल। एंड क्रॉप, इट इज़ यूज टू रिमूव अनवांटेड पार्ट्स ऑफ एन इमेज। समटाइम हम फोन से अपनी पिक्चर लेते हैं, हम कहते हैं इसको क्रॉप कर देंगे, मीन्स जो हमें पार्ट्स नहीं चाहिए साइड में या कुछ, तो उसको क्रॉप करना, कट कर देना, राइट। देन 3D व्यू, इट शोज द 3D व्यू ऑफ द कैनवस। एंड जूम स्लाइडर, इट इंक्रीजेज डिक्रीजेज द साइज ऑफ द कैनवस बाय स्लाइडिंग द बार, राइट। सो लेट अस डू, देयर इज वन एक्सरसाइज फॉर यू, यू कैन ट्राई ऑन योर ओन। Like name the tools, it displays different types of brushes in the brushes panel. The second, it is used to add different stickers. It is used to add text. So we have learnt about these tools. So you can give the answer. It is used to change the size of the canvas. What is the answer of this? Canvas. It is used to add text. What is the answer of this? Text tool. It is used to add different stickers. Stickers, right? So like this, you can give the answer of these question. Now, working with canvas tool, the canvas button is used to change the size of the canvas. When you click the canvas button, the canvas pane appears on the right showing the following option. The first one, show canvas, it shows or hides the canvas. The second one, transparent canvas, it turns the canvas transparent or solid. The third one is resize canvas. By default, canvas is measured in terms of percentage
and it is set as 100% long and 100% wide. You can change these values as and when needed. You can also change unit from percentage to pixel. देखो resize canvas उसको हम change कर सकते हैं. By default means जो canvas का size है हम percentage में measure करते हैं. It is already given 100% long and 100% wide. अगर आप इसको change करना चाहते हो you can change it. ठीक है. और जो unit है percentage उसको हम pixel में भी change कर सकते हैं. ओके. लॉक आइकन. द स्मॉल लॉक आइकन लॉक्स और अनलॉक द एक्सपेक्ट रेशियो. व्हेन चेक द टू वैल्यूज विड्थ एंड हाइट विल ऑलवेज चेंज इन करंट प्रोपोर्शन. नाउ रोटेट एंड फ्लिप. किसी पिक्चर को रोटेट करना फ्लिप करना. सो द फोर बटन्स अवेलेबल एट द बॉटम कैन बी यूज्ड टू रोटेट और फ्लिप द कैनवस. हाउ मेनी बटन्स? Four buttons available. Okay, जो small small things है you have to keep in the mind, right? So the next is this one is given. Okay, so here you can see what is given over here. Like canvas हमने open किया तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, इसके options आ जाएंगे. Show canvas, like transparent canvas. ठीक है, ऐसे ही उसके size आ जाएगा. Resize canvas. Like width and height is also given over here. So जब आप open करेंगे computer screen तो आपके पास ये सब canvas tool पे जाने पे, canvas पे click करने पे you can see all these things. अभी आपको clear नहीं हो रहा लेकिन जब आप अपने computer पे करेंगे it would be more clear to you. Canvas को click करने पे side में सारी options आ जाएंगी जो अभी मैंने आपको explain की हैं, right? Now using 3D library. You can insert any ready-made 3D objects in your drawing from the 3D library. अब 3D library हमारे पास है, उसमें हम कोई भी object choose कर सकते हैं और उसको हम use कर सकते हैं. For this, follow these steps. उसके लिए हमें करना क्या है? Number one, click on the 3D library option. 3D library पे click करना है, then select a category, for example, flowers and plants. By clicking on it, जो भी आपने object select करनी है उस पर आप click कर देंगे. Okay? So see here, like it is given 3D library. Canvas के साथ हमारे पास क्या given है? 3D library. अब हमने 3D library पर click किया तो आपके पास ये सारे objects आ जाएंगी different. Like here apple is given, animal is given, okay? Car is given. So there are so many shapes given. So you can select anyone, whatever you like. Okay. The next is select a 3D object and click on it to insert. अब आपने जो भी select करना है उस पर आप click करेंगे और उसको insert कर देंगे. जैसे इसमें flowers given है, right? अब the fourth one, rotate the image using the rotation handles if required. जो हमने मान लो एक flower select कर लिया है, अब इसको हमें क्या करना है? रोटेट करना है, इसको घुमा देना है. तो हम क्या करेंगे? रोटेट द इमेज यूजिंग द रोटेशन हैंडल्स इफ रिक्वायर्ड. ओके, यहाँ पे रोटेशन हैंडल्स गिवन है, इस पर हम क्लिक करेंगे माउस की हेल्प से और वी कैन रोटेट इट, राइट? सो यहाँ पे आपके पास जो 3D आपने किया है उसमें आएगी ऑप्शन रोटेट एंड फ्लिप. सो अगर आपने रोटेशन करना है तो आप इस पर क्लिक करके फिगर पे जा सकते हैं, राइट? नाउ ग्रुप एंड अनग्रुप ऑब्जेक्ट्स. द इमेजेस और ऑब्जेक्ट्स दैट यू ड्रॉ आर इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स. जो भी हम ड्रॉ करते हैं वो इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट हैं. इफ यू वॉन्ट टू ट्रीट देम एज वन ऑब्जेक्ट यू नीड टू ग्रुप देम. टू मेक अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स फॉलो दीज स्टेप्स. अगर हमें ग्रुपिंग करनी है तो उसके लिए हमें क्या करना है? नंबर वन, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट्स बाय क्लिकिंग देम वन बाय वन वाइल कीपिंग द शिफ्ट की प्रेस्ड. जब हम ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते जाएंगे तो हमें शिफ्ट की को प्रेस करके रखना है, ठीक है? देन सेकेंड, क्लिक ग्रुप बटन इन द राइट पेन. द सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स विल बिकम अ सिंगल ऑब्जेक्ट. आपके पास
इसमें ग्रुपिंग में आएगा ग्रुप एंड अनग्रुप, टू बटन्स आएंगे। अगर आपने ग्रुपिंग कर ली है तो ग्रुप पे आप क्लिक कर देंगे। ओके, सो ये क्या बन जाएगा आपकी एक सिंगल ऑब्जेक्ट। नाउ टू ग्रुप, टू अनग्रुप देम सेलेक्ट अनग्रुप बटन। अगर आपने उनको अनग्रुपिंग करना है तो आप किस पे क्लिक कर देंगे, अनग्रुप बटन पे, राइट। सो वन टिप इज गिवन फॉर यू, यू कैन ऑल्सो क्लिक सेलेक्ट ऑल ऑप्शन इन द राइट पेन इफ यू वॉन्ट टू सेलेक्ट ऑल द ऑब्जेक्ट्स। ओके, सो द नेक्स्ट इज एडिंग और डिलीटिंग टेक्स्ट। अब हम टेक्स्ट की बात करते हैं, अगर हमें इसे ऐड करना है, डिलीट करना है, देन वॉट टू डू। सो द टेक्स्ट टूल इज यूज टू राइट 2D एंड 3D टेक्स्ट। अगर हमें कुछ लिखना है तो हम उसके लिए टेक्स्ट टूल यूज करेंगे। राइटिंग 2D टेक्स्ट इज स्ट्रेट फॉरवर्ड, जस्ट क्लिक एंड टाइप। 2D में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें क्लिक करना है एंड देन वी हैव टू स्टार्ट टाइपिंग। टू क्रिएट 3D टेक्स्ट फॉलो दीज स्टेप्स। अगर हमें 3D करना है तो वी हैव टू फॉलो द स्टेप्स। द फर्स्ट वन, क्लिक ऑन द टेक्स्ट टूल। हम किस पे आ जाएंगे, टेक्स्ट टूल पे। द सेकेंड वन, सेलेक्ट 3D टेक्स्ट ऑप्शन इन द 3D टेक्स्ट पेन। हमारे पास यहाँ पे 3D में 3D टेक्स्ट ऑप्शन होगा, उसको हमें सेलेक्ट करना है। A dotted rectangular box with option to rotate the text box will appear with a blinking cursor inside it. Select the font name, font size, font color and set bold, italics, underline and text alignment, left, center or right properties appropriately. Okay, आपके पास 3D text है, उसमें नीचे आपके पास options आ जाएंगी। जैसे ये क्या है, बोल्ड का है, ये इटैलिक है, ये अंडरलाइन है, ये डिफरेंट स्टाइल्स हैं, राइट। सो द नेक्स्ट इज क्लिक ऑन द कैनवस एंड स्टार्ट टाइपिंग द टेक्स्ट। व्हेन यू आर डन, क्लिक आउटसाइड द टेक्स्ट बॉक्स, राइट। देन द कंट्रोल्स ऑफ 3D टेक्स्ट विल अपीयर अराउंड द टेक्स्ट। यू कैन यूज द रोटेट टूल टू रोटेट द टेक्स्ट एंड मूव बैक एंड फोर्थ टूल टू मूव द टेक्स्ट बैक एंड फोर्थ ऑफ द कैनवस। हम उसकी पोजीशन, जैसे आपने देखा यहाँ पे रेक्टेंगुलर बॉक्स आ गया, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको हम शिफ्ट कर सकते हैं लेफ्ट या राइट या रोटेट कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होंगी उनकी हेल्प से, ओके। तो जब आप इसको प्रैक्टिकली करेंगे इट वुड बी मोर क्लियर टू यू, आई एम टेलिंग यू वंस अगेन। सो डिलीटिंग 3D टेक्स्ट, टू डिलीट 3D टेक्स्ट फॉलो दीज स्टेप्स। द फर्स्ट वन, सेलेक्ट द 3D टेक्स्ट बॉक्स यूजिंग द सेलेक्ट टूल फ्रॉम द टॉप मेन्यू। देन आफ्टर द सिलेक्शन क्लिक ऑन द डिलीट आइकन इन द 3D सिलेक्शन पैनल। 3D सिलेक्शन में हमारे पास डिलीट ऑप्शन भी होगा। अगर हमें इसे डिलीट करना है तो हम क्या करेंगे, डिलीट पे क्लिक कर देंगे, राइट। नाउ इंसर्टिंग स्टिकर्स। अगर हमें कोई स्टिकर यूज करना है तो हमें कैसे करना है, द स्टिकर्स टूल इज यूज टू इंसर्ट स्टिकर्स इनटू आवर कैनवस। टू डू सो फॉलो दीज स्टेप्स। द फर्स्ट वन, क्लिक ऑन द स्टिकर्स टूल, इस पे हम आ जाएंगे। द स्टिकर्स पेन अपीयर्स ऑन द राइट विथ 3 ऑप्शन टैब, स्टिकर्स, टेक्सचर एंड कस्टम स्टिकर्स। जब आप स्टिकर्स पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ऐसे एक बॉक्स साइड में आ जाएगा जिसमें आप डिफरेंट स्टिकर्स देख सकते हैं, ठीक है। और आपके पास 3 ऑप्शन टैब्स आ जाएंगे, स्टिकर्स, टेक्सचर एंड कस्टम स्टिकर्स। सो द सेकेंड वन, क्लिक ऑन द स्टिकर्स टैब। हम क्लिक करेंगे स्टिकर्स टैब पे, सिलेक्ट द डिजायर्ड स्टिकर, नाउ ड्रैग एंड ड्रॉप इट टू द कैनवस। हमने सेलेक्ट किया, जैसे इसने ये सिलेक्ट किया है, इस पे क्लिक किया, इसको ड्रैग किया और यहाँ पे इंसर्ट कर दिया, राइट। आई होप इट्स क्लियर टू यू। Now modifying the sticker, you can make changes to the sticker that you have inserted. जो हमने sticker insert किया उसको हम change कर सकते हैं, modify कर सकते हैं। You can change the size, position, appearance of the sticker.
इसकी अपेरेंस, साइज हम सब चेंज कर सकते हैं. ओके, सो हेयर आपके पास जो भी स्टिकर है उसकी प्रॉपर्टीज आ जाएंगी और उसके अकॉर्डिंग आप उसको चेंज कर सकते हो. हेयर रीसाइजिंग द स्टिकर, आफ्टर एडिंग अ स्टिकर यू कैन चेंज द साइज बाय ड्रैगिंग द साइड और कॉर्नर हैंडल्स. अगर हमें इसका साइज चेंज करना है तो हमें इसके कॉर्नर्स पे या इसके साइड्स पे माउस से ड्रैग करना है. जितना हम उसको दूर लेते जाएंगे उसका साइज बढ़ता जाएगा, जितना हम पास लाएंगे माउस को उसका साइज कम होता जाएगा, राइट. सो द नेक्स्ट इज कॉपिंग और मूविंग अ स्टिकर. टू मेक अ डुप्लीकेट कॉपी ऑफ स्टिकर और मूव टू द स्टिकर फॉलो दी स्टेप. सपोज हमने इसकी कॉपी करना है, डुप्लीकेट बनाना है, देन वॉट टू डू, सेलेक्ट द स्टिकर यूजिंग द सेलेक्ट टूल. हमने स्टिकर सेलेक्ट किया पहले सेलेक्ट टूल की हेल्प से, देन सेलेक्ट द कॉपी बटन अंडर द एडिट ऑप्शन फ्रॉम द 2D सेलेक्शन पेन. तो अब आपने क्या देखा, 2D सेलेक्शन के अंडर आपने क्या करना है, कॉपी बटन को सेलेक्ट करना है एडिट ऑप्शन के अंडर. तो हमने कॉपी को सेलेक्ट किया इसमें से, एंड देन यहाँ पे एडिट ऑप्शन गिवन है, यहाँ पे कॉपी बटन इज गिवन ओवर हेयर, उसको हमने सेलेक्ट किया. ओके, ऐसे फिर उसको हमने जो पिक्चर के ऊपर माउस की हेल्प से हमने उसे ऐसे शेप, मतलब अपने आप ही ये चीज़ आ जाएगी जो डॉटेड आप देख रहे हैं ना, इट विल कम ओवर हेयर. Now select the paste button. The new copy of the selected sticker will be placed over the existing sticker. अभी जो आपने कॉपी बटन यूज़ किया था उसके साथ एडिट ऑप्शन के नीचे उसके साथ आपके पास क्या है, एक पेस्ट है, पेस्ट बटन, उस पर आपने क्लिक करना है तो आपके पास वैसी ही पिक्चर आ जाएगी उसके ऊपर जो ओरिजिनल वन थी, राइट. Now select the inserted sticker and drag and drop it to the new location. अब उसको जो हमने new था उसको यहाँ से हटा के इधर drag कर दिया, तो आपके पास क्या बन गई, इसकी copy, duplicate copy, right? यहाँ पे select the inserted sticker and drag, जो हमने insert किया था उसको select करना है mouse की help से और फिर drag कर देना है. Now deleting a sticker. अब उसको डिलीट करना हो तो कैसे करेंगे, टू डिलीट अ स्टीकर फॉलो दी स्टेप्स. द फर्स्ट वन, सेलेक्ट द स्टीकर यूजिंग द सेलेक्ट टूल. स्टीकर हमने सेलेक्ट किया, देन क्लिक ऑन द डिलीट बटन अंडर द एडिट ऑप्शन फ्रॉम द 2D सेलेक्शन पेन. जहाँ से हमने अभी कॉपी पेस्ट किया था उसके साथ हमारे पास क्या है, डिलीट का ऑप्शन है, उस पर हमने क्लिक किया, राइट. तो वो अपने आप ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा. नाउ एडिंग इफेक्ट्स. अब हमें इफेक्ट्स ऐड करना है. द इफेक्ट्स टूल इज यूज्ड टू इंक्लूड इफेक्ट्स. कुछ इफेक्ट देना है, उसको थोड़ा इंप्रेसिव बनाना है और अच्छा बनाना है, तो व्हाट टू डू, सो टू ऐड इफेक्ट्स फॉलो दीज स्टेप्स. इफेक्ट्स ऐड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, द फर्स्ट वन, ओपन योर सेव्ड पेंट 3D फाइल. हमने 3D फाइल को ओपन किया. द सेकेंड वन, क्लिक ऑन द इफेक्ट्स टूल. द इफेक्ट्स पेन विल अपेयर ऑन द राइट हैंड साइड. ओके, हमने इफेक्ट टूल पे क्लिक किया तो हमारे पास राइट हैंड साइड पे ऐसे इफेक्ट्स आ जाएंगे. यू कैन सी लाइक दिस, सर्कल में डिफरेंट कलर्स आ गए, राइट. एंड देन सेलेक्ट इफेक्ट एज पर योर चॉइस. आप अपनी चॉइस से कोई भी इफेक्ट आपने देना है उसको आपने चूज किया. देन टू एनहांस और एनलाइटन द इफेक्ट रोटेट द आइकन ऑन द इफेक्ट्स पेन. अब आप देखो इसमें इन्होंने ग्रे कलर, लाइट ग्रे कलर यूज किया, उसको चूज किया, तो जो आपके पास इफेक्ट आएगा वो किसका आ गया, लाइट ग्रे कलर का. ओके, इट्स वेरी इजी एंड वेरी इंटरेस्टिंग. सो नाउ देयर इज कंप्यूटर मैनर गिवन. Ask the teacher every time you want to turn the computer on or off, and if a wire has come out, ask your teacher to put it back. आपने जब भी कंप्यूटर यूज करना है you have to be careful. कुछ भी वायर उसके अगर बाहर आ रही है, कुछ भी प्रॉब्लम है, then tell to your teacher, right? So now let's rewind.
Paint 3D is used to draw shapes like cubes, cuboids, cylinders, cones, spheres, and donuts. You can rotate and turn these shapes to see different views of the 3D shape. The canvas button is used to change the size of the canvas. By default, canvas is measured in terms of percentage and is set as 100% long and 100% wide. To insert any ready-made 3D objects in your drawing from the 3D library, the text tool is used to write 2D and 3D text. The stickers tool is used to insert stickers into our canvas, and the effects tool is used to include effects. Okay, I hope it's clear to you. Now we are coming to exercise question number 1. Tick the correct option. The first question, the dash buttons available at the bottom can be used to rotate or flip the canvas. So what is the answer? Answer is 3. Okay, 3 buttons, right? Then the second question, the dash button is used to change the size of the canvas. So what do we use? Canvas, right? The third one, you can select the objects by clicking them one by one while keeping the dash key pressed. Which key? Shift key pressed. Okay, and then the fourth one, the stickers pane consists of dash option tabs. How many? 4. Okay, so you will get all the question from this chapter. There is no need to worry. Aur yahan pe ek OMR sheet hai, as I told you earlier. इसको कैसे फिल करना होता है? लाइक फर्स्ट वन का आंसर है ए, तो उसको ए को आपने कंप्लीटली अच्छे से फिल करना है. ओके, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, दे आर टेलिंग दीज आर रॉन्ग मेथड्स. ठीक है, हमें कैसे करना है? इसको अच्छे से करना है, फिल कर देना है. अपने जो भी आपके पास पेन पेंसिल्स हैं उससे आपको इसको अच्छे से फिल करना है. दिस इज अ राइट वे. ओके, राइट. सिमिलरली आपने सेकेंड क्वेश्चन का जैसे आंसर है सी पार्ट, तो आपने सी को अच्छे से फिल करना है, राइट. ऐसे थर्ड का आंसर सी है, तो आपने सी को फिल करना है, एंड सिमिलरली फोर्थ क्वेश्चन. सो आई होप इट्स क्लियर टू यू. नाउ द नेक्स्ट इज फिलिंग द ब्लैंक्स. द डैश टूल इज यूज टू इंसर्ट स्टिकर्स इन टू आर कैनवस. विच टूल वी यूज? स्टिकर्स अभी हमने किया था. ओके, सो विच टूल वी यूज? स्टिकर्स. The next, by default, canvas is measured in terms of percentage. The dash tool is used to write 2D and 3D text. Which tool? Text tool. The dash tool is used to include effects. Effects add करने के लिए हम कौन सा tool use करते हैं? Effect tool. Okay? So it's very easy. Now here, write true or false. The first one, effect tool is used to add different stickers. No, effect tool हम सिर्फ किसके लिए use करते हैं? Effects के लिए. So this statement is false. When you click the canvas button, the canvas pane appears on the right. So this is true. Transparent canvas turns the canvas transparent solid. This is true. You cannot change unit from percentage to pixel. We can change. अभी मैंने आपको बताया था, वी कैन चेंज द यूनिट फ्रॉम परसेंटेज टू पिक्सल. सो दिस इज फॉल्स. सो नाउ डी, अनजंबल द नेम्स ऑफ दीज वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ पेंट 3D. कुछ इसमें हमें नेम्स गिवन है, उसको हमें राइट फॉर्म में लिखना है. द फर्स्ट वन इज, यू कैन सी यहाँ पे FFET है, तो दिस इज इफेक्ट्स टूल. ओके, दिस इज कैनवस टूल, this is text tool, and this is stickers tool. Okay, so like this. And the last answer, the following question, what is paint 3D? You can write on your own. The second one, write a note on canvas tool. आप लिख सकते हैं canvas tool में क्या क्या options हैं, कैसे उसको हम use करते हैं, क्या हम कर सकते हैं. And what is effect tool? Effect tools क्या है? Effect add करने के लिए, हमारी जो भी ड्राइंग है उसमें इफेक्ट देने के लिए, वी कैन राइट इट. एंड व्हाट इज द यूज ऑफ 3D लाइब्रेरी? 3D लाइब्रेरी का क्या यूज है? उसमें से हम जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं ऑलरेडी गिवन है
कुछ भी लाइक फ्लावर्स हैं, कुछ भी पिक्चर हैं, एनिमल्स हैं, हम उसको यूज़ कर सकते हैं फ्रॉम 3D लाइब्रेरी. सो यू कैन डू दीज वन ऑन योर ओन. सो आई होप इट्स क्लियर टू यू. वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर. सो स्टे कनेक्टेड विद अस टिल द नेक्स्ट वीडियो. हैव अ नाइस डे. टेक केयर.